हाय गाइज, मैं लेके आई हूँ आपके लिए 3-4 क्लिप। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिनसे क्लियर होगा कि आरती के मुद्दा बनाने पर सिद्धार्थ ने क्लियर किया था कि वो और आरती बाहर फ्रेंड भी नहीं थे। देखिए, कुछ अनसीन है और कुछ एपिसोड का है। ये तो एपिसोड में आपने देखा होगा कि आरती और रश्मि डिस्कस कर रहे होते हैं, वो दोनों अपने बीच की अनबन दूर कर रहे होते हैं जो उनके बीच गलतफहमी है। तो लेकिन होता क्या है, आरती बीच में ले आती हैं सिद्धार्थ शुक्ला को। वो कहती हैं रश्मि से कि तूने मेरा और सिद्धार्थ का आर्टिकल छपवाया था कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या फिर हम रिलेशन में थे। तो रश्मि बिल्कुल मना कर देती कि उन्होंने कोई ऐसा आर्टिकल नहीं छपवाया है। रश्मि कहती भी कि तू मेरी और अपनी बात करना, हम दोनों की अनबन दूर कर। लेकिन फिर भी आरती उसी बात पर डिस्कस करती है। उसके बाद जेल में दिखाया जाता है, शहनाज आके सिद्धार्थ को वो बातें बता देती हैं। शहनाज कहती हैं एक आर्टिकल का इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। वो सिद्धार्थ से कहती है कि तेरा नाम आ रहा है बार बार बीच में, तू दोनों को बैठा के डिस्कस कर ले। तो सिद्धार्थ कहते हैं क्यों, मैं क्या उनका बाप हूँ, सिद्धार्थ इस तरह से कहते हैं। तो शहनाज कहती है नहीं, तेरा नाम आ रहा है ना, तेरा नाम खराब होगा उससे। तो सिद्धार्थ कहते हैं मेरी जान, वहाँ पता नहीं 100 पॉइंट डिस्कस हुए होंगे, लेकिन तू मुझे 1-2 पॉइंट बता रही है, अब मैं कैसे क्लियर करूँ। और उसके बाद सिद्धार्थ कहते हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो भी कर रहे हैं, किन बातों को बीच में लेके आ रहे हैं। सिद्धार्थ कहते हैं मैंने उनसे नहीं कहा है कुछ भी डिस्कस करने को, वो कुछ भी करें कुछ भी बोलें, ना तो मैंने उनसे कहा है और ना ही मैं उनके बीच में पढ़ूंगा। तो सिद्धार्थ तो यहाँ ये तो बोल देते हैं। उसके बाद शहनाज भी कह देती है अगर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो क्या करें। हालांकि यहाँ शहनाज सिद्धार्थ की साइड ले रही होती है, क्योंकि वो चाहती हैं कि उसका नाम बार बार बीच में ना आए, छोटी मोटी बातों के लिए सब उसका नाम यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद अंदर बेडरूम में दिखा देते हैं, यहाँ पे आरती फिर रश्मि से कहती है कि तूने शहनाज को क्यों बताया। शहनाज ने ये जाके बात सिद्धार्थ को बता दी। तो शहनाज कहती है तो उसे पता तो चलनी थी, ये बात क्लियर तो होनी थी। तो आरती फिर इनोसेंट बन जाती है कि बाहर करते ना, क्लियर बाहर करते, जबकि वो खुद यहाँ इस बात का मुद्दा बनाती हैं, बात को उठाती हैं। अगर आपको बाहर ही क्लियर करना था तो आपने बात उठाई क्यों। उसके बाद रश्मि कहती है अगर तुझे कोई बात करनी है तो आज के बाद मेरे और अपने बारे में करना। उसके बाद देखिए ये अनसीन है, यहाँ पर सिद्धार्थ आरती से कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो। वो कहते हैं तुम और मैं ना तो अब से पहले कोई खास फ्रेंड थे, ना तुम और मैं अब से पहले कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड थे। देखिए जो जो मैं लाइन बोल रही हूँ सिद्धार्थ ने बिल्कुल ऐसा बोला है। तो उसके बाद वो कहते हैं ना तो कोई खास फ्रेंड थे, ना कोई बेस्ट फ्रेंड थे, और ना ही तुम मेरे साथ ऐसी थी कि मैं तुम्हारे साथ रोज़ घूमता था। तो आरती कहती है हाँ हाँ हाँ। तो सिद्धार्थ फिर बीच में कुछ ऐसे मामा करके बोलते हैं, वो बोलना चाहते हैं कि वो लोग जिस चीज़ का मुद्दा बना रहे हैं मैं उस वजह से बात नहीं कह रहा हूँ, वो अपनी बात क्लियर करना चाह रहे थे। और कहते हैं कि हाँ हमारा जो भी हुआ वो सब ठीक है। तो वो क्लियर कर देते हैं कि वो बाहर कोई उनके फ्रेंड नहीं थे, जिस चीज़ का आरती मुद्दा बनाना चाह रही थी। थैंक यू गाइज़।